आएगी। और आप सभी को पता है कि पिक्चर पैलेस जो टैक्सी स्टैंड है उसका चौड़ीकरण चल रहा है, अगले 6 महीने में वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। उसमें जितना भी मार्केट है, जितनी भी हमें आते हुए एक बॉटल नेक मिलती है जिसके कारण लंबा लंबा घंटों मसूरी में जाम लगता था, बस अड्डे पे इतने ट्रैफिक रहता था कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, वो सब उस चीज़ का समाधान उससे हो जाएगा। आपको आते हुए किसी तरह की कोई भी टैक्सी या कोई प्राइवेट गाड़ी आपको सड़क पर खड़ी हुई नहीं मिलेगी, ऐसा हमारी ऐसी कोशिश है कि ऐसा किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है अगले से 6 से 8 महीने में काफ़ी चीज़ें धरातल पे आएंगी और नए स्वरूप में जो मसूरी की एंट्रेंस है वो आप लोगों को दिखेगी। सर, क्या पूरे शहर की जो विद्युत लाइनें हैं सारी की सारी भूमिगत की जाएंगी या कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया? नहीं, अभी तो हमें पिक्चर पैलेस से लेकर माई शॉप तक इसको मेन प्रायोरिटी पे रखा गया, क्योंकि हमें यहाँ पे आधुनिक पोल्स लगाने थे। पिक्चर पैलेस पार्किंग बन रही थी तो बीच में वो एक ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में वो चीज़ें आ रही थी, हमें वो डस्टबिन हटाना था, बहुत सारी चीज़ें। तो प्राथमिकता पे हमने पहले ये कराया और सेकंड फेज़ का जो काम है वो अब शीघ्र ही, लॉकडाउन की वजह से भले ही थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जल्द ही वो कार्य भी मैं आपका कराऊँगा। निंढौर से सारे पोल्स रोड से हटने हैं, वो भी एक प्राथमिकता है। तो नए स्वरूप में किस तरह से मसूरी को सुंदरता बढ़ाया जाए, और अभी आप देखेंगे यूनियन चर्च के आगे जितनी भी ये जगह आप देख सकते हैं पीछे मेरे हैं, जितनी भी ये जगह अभी बिजली के खंभों से खाली हुई है, यहाँ पे पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा, वॉल पेंटिंग्स लगाई जाएंगे और लगेगा कि आप मसूरी आपने एंटर किया है और एक सुंदर नज़ारा आप लोगों को दिखेगा। सर, लाइब्रेरी चौक पे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, कई बार क्षेत्रीय विधायक ने भी उसको उसके चौड़ीकरण की बात की है, लेकिन अभी तक भी वो चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। हर साल वहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है, लोगों को घंटों घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पालिका के स्तर का ये कार्य नहीं है, पालिका ये कोशिश ही कर सकती है, लेकिन जो भी निर्णय है वो शासन को इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी इसमें तोड़फोड़ और अधिग्रहण भी ज़मीन होनी है। तो मैं तो शासन से मांग करूँगा कि आप उसको शीघ्र ही इसमें जो भी करनी है, चाहे वो टनल के रूप में ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए या फिर हमने लिखा है शासन को कि आप जल्द ही इसका समाधान ढूंढिए, या तो आप टनल बनाइए या फिर वहाँ पे अधिग्रहण करिए, कुछ ना कुछ समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। हमारे स्तर से लाइब्रेरी चौक पे जो डिस्पेंसरी पे पार्किंग थी उसका काम क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी डिले हो गया, लेकिन शीघ्र ही हम वो कार्य भी शुरू करेंगे और उस पार्किंग बनने से भी काफ़ी स्थानीय लोगों को वहाँ पर राहत मिलेगी। पार्किंग के उसमें